दिवाली पे जितना कॉमन हमें दिया दिखता है, मोमबत्ती दिखती है या फिर पटाखे दिखते हैं, उतने ही कॉमन अब ये अनार लालटेन हो गए हैं। अक्सर ये खिड़की के आजू बाजू कोने में टंगे दिख जाते हैं और कभी कभी ये इस तरह के पैकेट्स में भी मिलते हैं। मुझे तो बड़ी बड़ी दिक्कत हुई इसको असेंबल करने में, मैंने इवन कि यूट्यूब भी छान लिया, तो मुझे लगा इसी पे ब्लॉग बनाते हैं, शायद किसी की मदद हो जाए। पैकेट में मिलते हैं कुछ शीट्स और ये दो चक्री, देखिए टोटो तो देना ही नहीं चाह रहा है। इसको ऐसे कैसे रखेंगे? वही तो कह रही हूँ, ये तो स्ट्रेट ही रह गया। फेल फेल, हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। ये पहला यहाँ, ये हम आए हैं सेकंड अटेम्प्ट में। फिर से हमने देखा ये एक शीट है, ये एक शीट है, ये एक्चुअली ऊपर लगने वाला है और ये एक शीट है, ये लंबे पे लगने वाला है। तो अब हमें पता चला कि इसके पीछे एक ऐसा शीट भी है, अब हमने डिस्कवर किया। तो पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये जो शीट है ये लंबे पे जाने वाला है, तो अभी फिलहाल इसको हम अलग रखते हैं। सबसे पहले इसके साथ वो भी उसका स्पिन निकालना, इसके साथ खेलने के लिए हम इसे ऐसे लगाएंगे। वैसे इन शीट्स को चक्री में फिट करने के लिए किसी तरह के गम या सेलो टेप या स्टेपलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल आपको यहाँ पर छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं शीट्स पर, जिन्हें छोटे छोटे उसमें एंकर से कांटे जैसे निकले हुए हैं ना चक्री में, बस उसको फिक्स करना है। इससे क्या होगा ना, ये थोड़ा हार्ड बना रहेगा, वो जो लुतुर पुतुर कर रहा था, लुतुर पुतुर बिंग बिंग वाली, अब लुतुर पुतुर नहीं करेगा, अब ये डांग होकर खड़ा रहेगा। डांग होके खड़ा होगा, ये जो डांग है और ये नीचे के लिए। अब इन दोनों के लिए दिया गया है हमें छोटे छोटे दो नट्स दिया गया है, ताकि यहाँ भी फिक्स कर ले। और एक व्हाइट वाला काम, जरा मुझको ले ढूंढ तू, अभी इसके साथ भी हो रहा था जो मैंने कैप्चर किया है। हमने ऐसा अब ये बना लिया है और इसको हम इसमें जोड़ने वाले हैं, अब बन जाएगा। ज्यादा ही खाता पीता है। मस्त है। अब ये नहीं, इसको भी लगा दे क्या? एंगल में जाएगा। इसको लगाएंगे तो कैसे इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसको वो पिक्चर का है, पिक्चर में ये कैसे दिया गया? ये डायमंड है, देख पिक्चर में डायमंड डायमंड ये ऐसा गया है, तो इसको ऐसे लगाना है, देख वैसे जा रहे में जाएगा। देख मैं तब लगाई, तब तो दोनों ही सेम में चला गया। जा रहा पॉइंट टू बी नोटेड, चक्री के दो टाइप्स के डिजाइन है। ये जो डिजाइन है ना, ये बिल्कुल ऊपर रहने वाला है जहाँ पे बल्ब फिट होगा, इसीलिए डिजाइन कुछ अलग है। और जो डाउन का डिजाइन है जहाँ पर एक्चुअली झालर फिट होगा, वहाँ पे कोई अलग डिजाइन नहीं है, सिर्फ एक सर्कल जैसा है ये चक्री, तो हमें उसी तरफ इस झालर को लगाना है। दो तीन ट्रायल के बाद ही हुआ है, मैं कोई शॉपकीपर तो हूँ नहीं कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाऊँ, पर ये सही लग रहा है ना। अब हमें बस ये लगाना है ये ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा और ब्यूटीफुल दिखे। ब्यूटीफुल
ये बनकर तैयार है। मुझे थोड़ा वक्त लग गया बट आई होप कि इसको आप अगर करोगे ना तो मैं तो इवन एडिट करने वाली हूँ कट कट कर ताकि आपको सही दिखे और आप सही डायरेक्शन में जाओ। होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। ये ब्लॉग बहुत छोटी सी होने वाली है क्योंकि मैं सिर्फ इसकी मेकिंग दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी दिवाली का ब्लॉग आने वाला है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज है धनतेरस तो हैप्पी धनतेरस। झालर का एंड पोर्शन कुछ इस तरह जुड़ा हुआ था, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा तो मैंने सोचा कि बेटर कि इसको मैं काट ही दूं और झालर को फ्री छोड़ दूं हवा में तैरने के लिए, या फिर कहो कि हवा में नाचने के लिए। प्लीज इसके अंदर एक बल्ब जलेगा लेकिन वो मैं दिवाली के लिए रखती हूँ। यही एक शीट है जिसे हम पहले चांस में मिस कर रहे थे, यही एक्चुअल बेस का काम करने वाला है लालटेन के बॉडी पे।